गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स, आज का वीडियो में कौन सा क्लास को बताने जा रहे बाबू? क्लास थ्री। कौन सा क्लास है? क्लास थ्री। सब्जेक्ट है मैथ्स। कौन सा सब्जेक्ट है? मैथ्स। टॉपिक्स क्या है? मनी लुक बैक, मनी लुक बैक, पेज नंबर 147 पार्ट टू। ठीक है, मनी में ही जो लुक बैक है यानी पेज नंबर 147 में क्या है लुक बैक, यानी जितना चीज पीछे मनी में बताए हैं। ठीक है, मनी में जितना चीज पीछे तुम पढ़े हो वो सारे चीज लुक बैक में ही दिया हुआ है। ठीक है, पेज नंबर 147 पार्ट टू। कौन सा पार्ट है बाबू? पार्ट टू है। ठीक है, पार्ट कौन सा है? पार्ट टू। क्लास थ्री। कौन सा क्लास? क्लास थ्री। सब्जेक्ट मैथ्स। टॉपिक्स क्या है? मनी। मनी में ही लुक बैक क्या है? पेज नंबर 147। पेज नंबर 147 पार्ट कौन सा है? पार्ट टू है। ठीक है, इसके पहले तो सभी लोगों को बताया है क्या मनी का एडिशन, क्या बताए थे? मनी का एडिशन बताए थे, मनी का सब्ट्रैक्शन बताए थे, मनी का मल्टीप्लीकेशन बताए हैं, और मनी का डिवीजन बताए हैं, डिवाइड करने के लिए बताए हैं। इसका एडिशन मनी में ही, एडिशन का वर्ड प्रॉब्लम भी तुम सब पढ़ लिए है, मनी में ही सब्ट्रैक्शन भी वर्ड प्रॉब्लम पढ़ा है, वर्ड प्रॉब्लम से मल्टीप्लीकेशन का भी तुम सब पढ़ लियो। उसके बाद क्या है, डिवाइड का भी यानी मल्टीप्ली डिवाइड का भी वर्ड प्रॉब्लम पढ़ लियो, यानी सारे चीज कौन सा चैप्टर में दिया हुआ है, कौन सा पेज नंबर में दिया हुआ है? 147। यानी इसमें एक एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन सारा दिया हुआ है जो तुम पीछे सारे क्या है लेसन में पढ़े हो। ठीक है, चलो ध्यान दो। पेज नंबर 147 में क्वेश्चन नंबर 1 और 2 क्या दिए थे? क्वेश्चन नंबर 1 और 2 क्या तुम सभी को करने के लिए दिए थे? बनाने के लिए दिए थे ना। प्रीवियस क्लास में पेज नंबर 147 का क्वेश्चन नंबर 1 और 2 क्या, क्वेश्चन नंबर 1 और 1 और 2 क्या दिए थे? बनाने के लिए दिए थे यानी सॉल्व करने के लिए दिए थे, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं ना है। चलो ध्यान दो आगे क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 और 4। चलो सबसे पहले क्वेश्चन ध्यान देंगे, क्वेश्चन नंबर 3 क्या, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है? एन आइसक्रीम, आइसक्रीम, CREAM, CREAM, एन आइसक्रीम कॉस्ट रुपीज, आइसक्रीम कोन CONE, आइसक्रीम कोन CONE कोन कॉस्ट रुपीज, COS क्या लिखा हुआ है? कॉस्ट, COSTS कॉस्ट रुपीज, कॉस्ट रुपीज 15.25। इसके बाद है व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ 8 cones, CONES, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ 8 cones। सबसे पहले क्वेश्चन क्या है, वर्ड प्रॉब्लम है। सबसे पहले तुम सभी लोगों को फर्स्ट से ही बता रहे हैं कि तुम सब वर्ड प्रॉब्लम्स का नाम सुनते ही डर जाते हो, लेकिन वर्ड प्रॉब्लम्स का नाम सुनने से डरना नहीं है, उसको क्या करना है, सॉल्व करना है यानी समझना है क्वेश्चन क्या बोल रहा है। ठीक है, बताए थे कि वर्ड प्रॉब्लम सबसे पहले बनाने से, सॉल्व करने से पहले उसको दो बार क्या करना है, रीड करना है यानी पढ़ना है। ठीक है, क्या करेंगे, दो बार उसको पढ़ेंगे। क्वेश्चन क्या है, तो क्वेश्चन क्या है, एन आइसक्रीम कोन कॉस्ट रुपीज 15.25। ठीक है, 15.25। व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ 8 cones, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ 8 cones। क्वेश्चन को तो रीड कर लिए लेकिन क्वेश्चन समझे ही नहीं तो कैसे बनाओगे, बन पाएगा? नहीं बनेगा। तो सबसे पहले क्वेश्चन को क्या करेंगे, समझेंगे क्वेश्चन का, हिंदी समझेंगे क्वेश्चन क्या कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद देखेंगे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, लास्ट में क्वेश्चन आज करेगा ना, क्वेश्चन पूछेगा ना, तो पूछ रहा है क्या, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ 8 cones। यानी क्वेश्चन है एन आइसक्रीम कोन कॉस्ट रुपीज 15.25। एक आइसक्रीम कोन है जो क्या है 15.25, यानी वन आइसक्रीम लेते हो वन आइसक्रीम कोन लेते हो तो कोन लेगो तो कितना मिले रुपी लगेगा, यानी 15.25। कॉस्ट ऑफ वन आइसक्रीम कोन इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 15.25। यानी एक आइसक्रीम लेते हो ना तो कितना रुपी लगता है, 15.25 रुपी लगता है। तो कितना आइसक्रीम लेना है, 8 cones लेना है, यानी कितने कोन्स,
एट कॉन्स, तो बताओ व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ एट कॉन्स, तो बताओ एट कॉन्स लोगे तो कितना रुपए तुम्हें लगेगा, यही क्वेश्चन पूछा ना। वन कॉन लोगे, वन आइसक्रीम कॉन लोगे तो कितना रुपया लगेगा, 15.25 लेगा। तो बताओ एट कॉन्स लोगे तो कितना लगेगा, तो समझ गया ना। जैसे मान लिया जाए एक पेन कितना लिया तुम, एक पेन 5 रुपीज में लिया, कितना लिया 5 रुपीज में, तो 5 पेन कितना मिलेगा बोलो, आप बताओ। 1 पेन 5 रुपीज में लेता है तो 5 पेन कितना मिलेगा, 5 × 5 कर देंगे, तो जस्ट लाइक ऐसा ही है ना। यानी देखो एक कलम तुम 5 रुपया में लोगे तो 5 पेन यानी 5 कलमे कितने में होंगे, 25 रुपीज का होगा। यानी 1 पेन कितना रुपीज का है, 5 रुपीज का, तो 5 पेन कितने रुपीज का हो जाएंगे, 25 रुपीज का बोलो। जस्ट लाइक यही क्वेश्चन है, जस्ट लाइक क्वेश्चन सेम टू सेम यही है। इसमें क्या बोल रहे हैं, 1 आइसक्रीम कोन कॉस्ट रुपीज 15.25, 1 आइसक्रीम कोन लेते हो ना तो कितना रुपीज लगता है, 15.25 लगता है, यानी 50 रुपीज 25 पैसा। व्हाट इज द क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ 8 कोन, तो बताओ 8 आइसक्रीम कोन लेगा तो कितना रुपीज लगेगा, तो फाइंड नहीं कर दोगे बोलो। क्वेश्चन को समझ लिया ना बाबू, क्वेश्चन समझ गया तो एकदम आसानी से बन जाएगा। क्वेश्चन को सभी लोग समझ गए, बताओ वर्ड प्रॉब्लम्स को एक क्वेश्चन जो दिया हुआ है इसका मतलब समझ गए ना सभी लोग, क्या होगा इसका मतलब है कि एक आइसक्रीम कोन लेते हो, वन आइसक्रीम कोन यानी एक आइसक्रीम कोन का कॉस्ट क्या है, 15 रुपीज 25 पैसा है, तो बताओ 8 आइसक्रीम कोन का कितना कॉस्ट होगा, यही क्वेश्चन पूछ रहे हैं ना। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सॉल्यूशन, सबसे पहले सॉल्यूशन, एस ओ एल यू टी आई ओ एन, सॉल्यूशन, सबसे पहले क्या है, कॉस्ट ऑफ सी ओ एस टी, कॉस्ट ऑफ सी ओ एस टी, कॉस्ट ऑफ वन आइसक्रीम कोन, सी आर ई ए एम आइसक्रीम कोन, सी ओ एन ई इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है, 15 रुपीज 25 पैसा दिया हुआ है, 15 रुपीज 25 पैसा। क्या क्वेश्चन दिया हुआ बाबू, वन आइसक्रीम का कॉस्ट क्या है, 15 रुपीज 25 पैसा दिया हुआ है, ठीक है। चलो तो क्या पूछ रहा है, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ 8 कोन्स, तो क्या लिखेंगे, कॉस्ट ऑफ 8 8 आइसक्रीम CRDAM आइसक्रीम कोन्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, रुपीज, बताओ एक आइसक्रीम लेता है तो कितना रुपीज लगता है, 50 रुपीज 25 पैसा लगता है, तो कितने आइसक्रीम कोन लेने हैं, 8 लेना है, यानी इतना मल्टीप्लाई क्या कर देंगे, 8 कर देंगे, रुपीज 15.25 मल्टीप्लाई क्या कर देंगे, 8 कर देंगे, ठीक है। टी एच यू एस द कॉस्ट ऑफ 8 कोन्स, सी ओ एन ई एस 8 कोन्स इज, सो ध्यान दो सबसे पहले क्या लिखे बाबू, क्वेश्चन को सभी लोग समझ गए होंगे, क्वेश्चन क्या है, वन आइसक्रीम कोन लेता है ना तो उसका कॉस्ट क्या है, 15 रुपीज 25 पैसा है, तो बताओ व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ 8 कोन्स यानी 8 कोन्स का कॉस्ट क्या होगा। तो सबसे पहले कॉस्ट ऑफ वन आइसक्रीम कोन इज इक्वल टू 15.25 हो गया। इसके बाद क्या है, कॉस्ट ऑफ 8 आइसक्रीम कोन्स इज इक्वल टू 15.25 मल्टीप्लाई 8, ठीक है। अब क्या करना है, 15.25 में कितना से मल्टीप्लाई करोगे, 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ क्या दिया हुआ, रुपीज है 15.25 मल्टीप्लाई कितना करना है, 8 करना है, यानी 8 × 5 जा क्या होगा, 40 होगा, कैरी कितना हुआ 4, 8 × 5 जा 40, कैरी कितना हुआ 4, 8 × 2 जा 16, 16 × 4 कितना होता है 20 होता है, कैरी कितना बचा 2 हुआ, यहाँ पॉइंट है तो पॉइंट लिख दिए, 8 × 5 जा 40, 40 × 2 कितना होता है 42, कैरी कितना हुआ 4, 8 × 1 जा 8, 8 × 4 = 12, ठीक है। चलो ध्यान दो कैसे किए, सो देखो सबसे पहले रुपीज क्या है 15.25 है मल्टीप्लाई 8, यही कर लेना, तो 8 × 5 का क्या हुआ 40, कैरी कितना बचा 4, कैरी कितना हुआ 4,
ए टू जा सिक्सटीन, सिक्सटीन या फोर कितना होता है ट्वेंटी, कैरी कितना हुआ टू, ठीक है। एट फाइव जा फोर्टी, फोर्टी और टू कितना होता है फोर्टी टू, कैरी कितना हुआ फोर। एट वन जा एट, एट और फोर कितना होता है ट्वेल्व, यानी कितना रुपीज हो गया 102 रुपीज, 122 रुपीज, रुपीज 122 रुपीज, पॉइंट जीरो जीरो भी लिख सकते हो, कोई अंतर डिफरेंस नहीं होगा। देखो रुपीज 122.00 लिखो या रुपीज 122 लिखो, कोई डिफरेंस होगा बताओ? कोई डिफरेंस नहीं होगा बाबू। चलो ध्यान दो क्या है, सबसे पहले कॉस्ट ऑफ वन आइसक्रीम कौन निकाल दिए, दिया हुआ है गिवन है क्वेश्चन में 15.25। उसके बाद क्या है, कॉस्ट ऑफ एट आइसक्रीम कोन्स यानी एट आइसक्रीम कोन्स का फाइंड करना है, तो रुपीज 15.25 मल्टीप्लाई एट, ठीक है। अब कॉस्ट ऑफ एट कोन्स इज रुपीज, इसमें से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 122 रुपीज। ऐसे भी देखो 5 8 40 तो जीरो हो गया, कैरी फोर, 8 2 16 4 20 कैरी टू, 8 5 40 40 2 42 कैरी कितना टू, 8 1 8 5 42 कैरी कितना बचा फोर, ठीक है। 8 1 8 4 2 12 यानी 122 रुपीज, जीरो जीरो भी लिख सकते हैं नहीं तो 122 भी लिख सकते हैं। बोलो यहाँ तक तो दिक्कत नहीं है किसी को, नहीं ना? क्वेश्चन समझने में कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा बाबू, क्वेश्चन नंबर वन। चलो ध्यान दो आगे क्या है, तो आगे ध्यान दो क्या आगे क्वेश्चन क्या है, ध्यान दो सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन, दीपू बाव के रेडियो टैटू, दीपू बाव बी ओ यू जी एस टी, दीपू बाव ए टैटू टी ए टी टी ए डबल टी डबल ओ टैटू 485 पैसा एंड इरेजर एंड इरेजर 4 रुपीज ए फोर आर 4 रुपीज 50 पैसा How much did Deepu spend DEEPU Deepu spend SPEND Deepu spend। तो ध्यान दो क्वेश्चन क्या है, सबसे पहले क्वेश्चन को समझ लेना है, ठीक है। क्या है क्वेश्चन लिखा हुआ, क्वेश्चन को ध्यान दो क्या है, सबसे पहले वर्ड प्रॉब्लम्स बोले हैं, क्वेश्चन को दो बार क्या करना है रीड करना है, क्या करना है क्वेश्चन को दो बार रीड करना है। दीपू बाउट ए टैटू 485 पैसा, यानी क्या करता है, यानी दीपू बाउट ए टैटू 485 पैसा एंड इरेजर 4 रुपीज 50, क्या है इरेजर 4 रुपीज नहीं 450 पैसा इरेजर 450 पैसा हाउ मच डिड डीपू स्पेंड, यही है ना। क्वेश्चन को तो पढ़ लिए लेकिन क्वेश्चन का मतलब नहीं समझोगे तो क्या सॉल्व हो जाएगा? बोलो क्वेश्चन को क्या करना है, सबसे पहले उसका मतलब समझना है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ लिए लेकिन समझे नहीं क्वेश्चन क्या बोल रहा है, तो दीपू बाउ ए टैटू 485 पैसा, यानी दीपू एक क्या है लड़का है जो क्या करता है टैटू क्या करता है खरीदता है, क्या करता है खरीदता है, क्या चीज टैटू, कितने टैटू खरीदता है 1 टैटू, ये टैटू यानी एक टैटू, ठीक है। कितने पैसा में खरीदता है बाबू 85 पैसा में खरीदता है, ठीक है। यानी दीपू एक टैटू खरीदता है कितने पैसा में 85 पैसा में एंड इरेजर 450 पैसा और इरेजर भी खरीदता है, ठीक है। इरेजर कितने का खरीदता है 50 पैसे का खरीदता है। तो पूछ रहे क्वेश्चन क्या, हाउ मच
क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, हाउ मच डिड डीपू स्पेंड, यानी बताओ डीपू कितने कितना पैसा खर्च किया, यानी कितना स्पेंड किया। तो नहीं हो जाएगा, सबसे पहले तो क्वेश्चन समझ लिया। क्वेश्चन क्या है, डीपू एक क्या है, लड़का है जो एक टैटू खरीदता है, क्या करता है, टैटू खरीदा, खरीदता है नहीं खरीदा, बाउट है ना, बाउट ए टैटू 485 पैसा, यानी दीपू एक टैटू खरीदा कितने पैसा में, 85 पैसा में, एंड और एन इरेजर 450 पैसा, और इरेजर कितने खरीदता है, 50 पैसे खरीदता है। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, हाउ मच डिड दीपू स्पेंड, यानी दीपू कितने रुपए खर्च किया, तो जितना का टैटू खरीदा वो और जितने का इरेजर खरीदा वो, दोनों को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, बन जाएगा ना, बोलो दिक्कत नहीं है किसी को, बनाना है बस, समझ जाओगे सभी लोग, समझ गए ना, बोलो सभी लोगों का सॉल्व हो जाएगा ना। यानी दीपू जितने का टैटू खरीदा बाउट किया, जितने का टैटू खरीदा वो और जितने का इरेजर खरीदा वो, दोनों को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, यानी दोनों को प्लस कर दोगे तो टोटल दीपू जितना पैसा मनी स्पेंड किया वो नहीं निकल जाएगा, निकल जाएगा ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 ध्यान दो। A boy went to the market. Went to the market. market. Went to the market and bought 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 three toffees TOFFES three toffees, क्या लिखा हुआ है, boy went to the market and bought three toffees for 75 paise and two packets of biscuits BISCUITS two packets of biscuits four rupees 4.25 each EACH. How much money did he pay? सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ेंगे और उसका मतलब समझेंगे, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले क्वेश्चन को देखो, सबसे पहले क्वेश्चन को रीड करना है। ए बॉय वेंट टू द मार्केट एंड बाउट थ्री टॉफीज 4.25 paise एंड टू पैकेट्स ऑफ बिस्किट्स 4 rupees 4.25 ईच। हाउ मच मनी डिड ही पे, ठीक है। क्वेश्चन को तो रीड कर लिए, क्या करिए, क्वेश्चन को तो रीड कर लिए, लेकिन क्वेश्चन का मतलब नहीं समझे, क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, तो क्या तुम क्वेश्चन को सॉल्व कर दोगे, नहीं ना। चलो ध्यान दो, क्वेश्चन क्या बोल रहा है सो ध्यान दो। देखो ए बॉय वेंट टू द मार्केट, एक लड़का है जो कहां गया, बाजार गया, क्या कहां गया, वो बाजार गया। यदि तुम्हें कोई सामान या बिस्किट खरीदना हो या हॉर्लिक्स खरीदना हो या मिक्सर खरीदना हो, ये सब खरीदने के लिए रहता है, तो तुम कहां जाओगे, बताओ, मार्केट में जाओगे ना, बताओ ये सारे सामान कहाँ मिलेंगे, फील्ड में तो मिलेंगे नहीं, ये मार्केट में ही मिलेंगे। तो ये क्या खरीदने जाता है, टॉफी खरीदता है, और क्या खरीदता है, बिस्किट्स खरीदता है। टॉफी और बिस्किट्स कहाँ मिलेंगे, दूसरा मार्केट में मिलेंगे। ध्यान दो क्वेश्चन क्या है, ए बॉय वेंट टू द मार्केट एंड बाउट थ्री टॉफीज 4.25 paise, क्या है, थ्री टॉफीज फोर, ए बॉय वेंट टू द मार्केट एंड बाउट थ्री टॉफीज 4.25 paise, यानी एक लड़का है जो कहां गया, बाजार गया।
क्वेश्चन क्या है, ए बॉय वेंट टू द मार्केट एंड बाउट थ्री टॉफीज फॉर 25 पैसा ईच। यानी देखो ध्यान दो, एक लड़का क्या है बाजार गया, वह क्या खरीदता है, थ्री टॉफीज खरीदता है। कितने टॉफीज खरीदता है वह, थ्री टॉफीज खरीदता है फॉर 25 पैसा ईच। यानी एक टॉफी लेगा ना तो कितने पैसा लेगा, 25 पैसा लेगा। तो 25 पैसा तुम्हें क्या हुआ लगेगा, तो बताओ कितने टॉफी देते हैं, थ्री टॉफी देते हैं। कितने टॉफी देते हैं, थ्री टॉफी देते हैं। बताओ यदि तुम्हें वन टॉफी लेगा तो 25 पैसा लगेगा, तो बताओ थ्री टॉफी लेगा तो क्या कितने पैसे लगेंगे, तो 25 पैसा में 3 से क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 3 टॉफी का कॉस्ट नहीं निकल जाएगा, निकल जाएगा ना। तो देखो क्या है, ए बॉय वेंट टू द मार्केट एंड बाउट 3 टॉफी फॉर 25 पैसा ईच। यानी एक लड़का बाजार गया, क्या करता है, 3 टॉफी खरीदा, ठीक है। एक लड़का बाजार गया जिस 3 टॉफी खरीदता है 25 पैसा ईच, यानी 1 टॉफी का क्या कॉस्ट दिया हुआ है, 25 पैसा दिया हुआ है। तो 3 टॉफी का कॉस्ट निकालोगे ना, कितना रुपए, कितने कितना कॉस्ट होगा, 3 मल्टीप्लाई या 25 पैसा मल्टीप्लाई 3 कर दोगे तो 3 टॉफी का निकल जाएगा ना, उसी जस्ट वैसा ही है। एंड और 2 पैकेट ऑफ बिस्किट्स, यानी क्या करता है, और 2 पैकेट्स यानी 2 पैकेट क्या करता है, बिस्किट्स भी खरीदता है, ठीक है। 4 रुपीज 4.25 ईच, यानी 1 पैकेट बिस्किट लेकर लेता है तो कितना रुपीज होगा उसका, 4.25 रुपीज लगता है। तो 2 पैकेट लेना है तो बताओ कितना से मल्टीप्लाई कर दोगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। यदि मान लिया जाए तुम्हें 1 पेन लिया, ठीक है, क्या लिया, 1 पेन, तो 5 रुपीज लगता है। यदि तुम्हें 2 पेन लेना रहेगा, 1 पेन लिया तो 5 रुपीज लगेगा, तो 2 पेन लेना रहेगा तो कितने रुपीज लगेंगे, 10 रुपीज लगेंगे। कितने रुपीज लगेंगे, 10 रुपीज लगेंगे। तो कैसे करेंगे, 2 मल्टीप्लाई क्या कर देंगे, 5, यानी कितने रुपीज हो जाएंगे, 10 रुपीज हो जाएंगे। जस्ट लाइक क्वेश्चन ये है, इसमें तुम पेन लिया है लेकिन इसमें क्या है, टॉफीज है, ठीक है, क्या है, टॉफीज है, ठीक है। तो 1 क्या करता है, 3 टॉफीज लेता है, यानी 25 पैसा ईच, यानी 1 टॉफी जो 1 टॉफी का कॉस्ट दिया हुआ है 25 पैसा, तो 3 टॉफीज का कॉस्ट क्या होगा, 3 25 पैसा मल्टीप्लाई 3 कर दोगे ना, उसके बाद क्या है, एंड 2 पैकेट्स ऑफ बिस्किट्स 4 रुपीज 4.25, यानी 2 पैकेट्स क्या लेता है, बिस्किट्स भी लेता है, ठीक है, लेकिन बट 4.25 ईच, यानी 1 पैकेट प्रत्येक पैकेट क्या है, 4.25 है, यानी 1 पैकेट का क्या दिया हुआ है, 4.25। तो 2 पैकेट्स का निकालोगे ना, उसके बाद क्या बोल रहे हैं, हाउ मच मनी डिड ही पे, यानी उसको कितना रुपया देना होगा, यानी कितना रुपये पे करना होगा, दोनों को मल्टीप्लाई कर फिर क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे, निकल जाएगा बाबू। क्वेश्चन को समझने में दिक्कत नहीं है किसी को, बोलो क्वेश्चन को समझने में प्रॉब्लम नहीं है किसी को बाबू, चलो ध्यान दो आगे क्या है, चलो इसको मिटा दें, बोलो वर्ड प्रॉब्लम्स को, क्वेश्चन को समझ गया तो सारे क्या हो जाएंगे, सॉल्व हो जाएंगे। यदि तुम क्वेश्चन नहीं समझोगे तो तुमसे क्या होगा, सॉल्व नहीं होगा, ठीक है, चल ध्यान दो आगे। होमवर्क, HOME होमवर्क, WORK होमवर्क, सॉल्व मैथ्स, सॉल्व मैथ्स पेज नंबर 147, क्वेश्चन नंबर 3। ध्यान दो, होमवर्क क्या है, होमवर्क HOME WORK होमवर्क मतलब ग्रीक आर, यानी घर से बना कर डाला है, ठीक है। सॉल्व मैथ्स पेज नंबर क्या है, 147, यानी 147 का 3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन क्या कर दिए, तुम सभी लोगों को बता दिए। बाकी क्या है, 1 2 3 4 5, यानी 6 7 क्वेश्चन है, जिसमें से 4 तुम्हें क्या कर दिए, समझा दिए, बता दिए, ठीक है। वैसा ही 3 क्वेश्चन जो बचा हुआ है सारे क्या करने है, सॉल्व करने है, हो जाएगा बाबू। ध्यान दो क्या है, सॉल्व मैथ पेज नंबर 147 क्वेश्चन नंबर 3, यानी 3 क्वेश्चन का सारे क्वेश्चन क्या करने हैं, सॉल्व करना है, यानी 3 क्वेश्चन 3 में, क्वेश्चन नंबर 3 में 6 क्वेश्चन है, ठीक है, सारा क्या करना है, सॉल्व करना है। थैंक यू।